अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू परदेसी फैमिली। तो आज हम ना मौजूद है जेलम सिटी हाउसिंग में। ये जेलम सिटी हाउसिंग ना काफ़ी पुरानी सोसाइटी बन गई है, लेकिन काफ़ी इनके ना काम और प्रोग्रेस जारी है। तो ये उनका ना एक नया एरिया खुल रहा है, जो ना जिसको ना पता ही डी डी कहते हैं, डबल डी। तो उधर हम ना मौजूद हैं। उधर उन्होंने यही ऐलान किया है कि कुछ दिन तक ना ये उनका जो ना फाउंटेन, एक मैजिकल फाउंटेन जो फाउंटेन के शो होते हैं, वो काफ़ी बड़ा ना ये ओपनिंग होने लगी हैं। तो बस हम इधर आए थे तो सोचा कि आपके साथ भी ना शेयर करता हूँ, आपको अपडेट देता हूँ कि फाउंटेन की क्या सिचुएशन है और क्या प्रोग्रेस है। तो ये देखिए कि ना इधर ना उन्होंने काफ़ी रोडें बना दी हैं, काफ़ी ज़्यादा काम हुए हैं। पीछे देख लें, वो शायद ई ब्लॉक है पीछे और काफ़ी आबाद है। तो ये ना अब ना हम ना आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, तो आपके साथ ना आपको दिखाते जाते हैं कि क्या रोडें तो काफ़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बना दी हैं। तो वो आप जो पीछे देख रहे हैं उस तरफ है ये जो फाउंटेन है। तो कोशिश करते हैं वो ना एक गोल चक्कर है सामने टर्न अबाउट, उधर हम जाएंगे और हमें ना अपने राइट लेना है। वो पीछे आपको ना पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, पहले ये ऐसे था ये इलाका। तो आप देखिए कि आस्ते आस्ते ना इधर ना काफ़ी आबादी आ रही है, जो है ना टाउन में मसलन कई ब्लॉक है जो कि बहुत ज़्यादा आबाद है। ठीक है, तो ये देख लें, आई लव सिटी। इधर से हम ना राइट लेते हैं, देखते हैं अगर कोई रास्ता खुला हुआ हो तो उधर से जाते हैं। ये ना आज ना 5 अप्रैल है, इसका मतलब जो काम हो रहे हैं ना अभी 5 अप्रैल तक, ये उसकी अपडेट है। तो देख लें, थोड़ा बहुत ना इधर से भी दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ना ये सिटी हाउसिंग की ऐसी अपडेट देता जाऊं, तो आपने ना मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों, अब ना हम ये गाड़ी से बाहर निकल गए हैं। तो ये सामने आप जो देख रहे हैं ना, ये सबज बाउंड्री लगी हुई है, इधर ना आएगा ये जो फाउंटेन शो। ठीक है, उधर देख रहे हैं आप सामने ना प्लाजा भी एक ना बड़ा सा बन रहा है, लेफ्ट ये राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर भी। ठीक है ना, और काफ़ी ज़्यादा ना इधर ना उन्होंने ना प्रोग्रेस कर दी है। तो ये ना उम्मीद है कि ना शायद ये ईद पे ये फाउंटेन खोल दे, वरना देख रहे हैं पहाड़ी इलाका है, ये थोड़ा बहुत नज़दीक आ गए हैं। तो रोडें काफ़ी बन गई हैं, देख ले पूरा व्यू। तो दोस्तों, मैं इधर की प्रोग्रेस देख के ना काफ़ी हैरान हूँ, बहुत ही ज़्यादा ना तेज़ी से जल्दी से काम हो रहा है। तो उस जो था ना फाउंटेन शो, ज़्यादा आगे जाने की इजाज़त नहीं थी, एक गार्ड आ गया था, कहते हैं कि आप ना फ़िलहाल क्योंकि तैयारी हो रही है, आप ना मूवी नहीं बना सकते, तो इसलिए मैंने ना दूर से आपको ना थोड़ा बहुत दिखा दिया है कि क्या एक्चुअल ना ये 5 अप्रैल की ना सिचुएशन है। तो उधर से हम निकले हैं, तो ये देखते हैं हम ना एक मेन रोड है, ये भी ली हुई है कि आपको ना दिखा सकूं कि रोडों की क्या सिचुएशन है, और काफ़ी हद तक ना रोडें ना इधर कंप्लीट हैं। ठीक है, आप इधर से भी देख लें, काफ़ी ज़्यादा ना रोड मुकम्मल है, बिल्कुल लगता है कि आस्ते आस्ते उन्होंने ना प्लाट भी ना वो तैयार कर रहे हैं कि ना लोग ना काम शुरू कर सकें। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रास्ता ना किधर निकलता है, हम ना कौन सी, हम ना जो रूट स्कूल है ना उधर से हम ना सीधे आए हैं, रूट स्कूल से के सामने से गुजर गए मेन रोड पे, उधर से हम इन हुए थे और अब हम ना थोड़ा सा आगे से ना आउट हो रहे हैं। आपको पता ये भी चल जाएगा कि ये रास्ता किधर और कहाँ निकलता है। तो इधर आप देख रहे हैं कि ये जो है ना एक्चुअल जो सिचुएशन, हम ना अब ना जो, क्योंकि ये सारा ना अभी जो भी इलाका को एरिया दिखाया ना वो नया बन रहा है,
मेरे ख्याल से इसको ना डबल डी कहते हैं। तो इधर से ना ये था जो एरिया पहले से ही ना आबाद है ना कंप्लीट है। देख लें कि इधर भी अपना घर बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ये देख लें इधर से ना, आप ये देख रहे हैं कि ना ये ना जो ऑलरेडी ना समझ लें कि ओपन एरिया है जहाँ पे घर बने हुए हैं, हम उस जगह आ गए हैं, ठीक है। हम इधर से जाते हैं, आप देख लें कि ना इधर ना घर काफ़ी बने हुए हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी अपडेट आपको कैसी लगी है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आप खुद सिटी हाउसिंग के हैं तो आपने ना कमेंट में बताना है, और अगर आप झेलम से हैं या झेलम के आसपास तो आप इंटरेस्ट है तो आप ना बेशक ना हमसे ना रब्ता कर सकते हैं। तो मैं ना जो भी आपके लिए ना आपको जो भी मालूम चाहिए ना मैं कोशिश करूँगा कि आपको ना दे सकूँ, ठीक है। तो देख लें ये ना रास्ता ना अभी हम ये E812 में, ठीक है ना, हम ना ई ब्लॉक में मौजूद हैं। इधर ये रास्ता निकलता है और पीछे देख रहे हैं वो उधर ना काफ़ी काम हो रहा है, ठीक है। ये हमने जो रास्ता लिया ना ये फिर हमें ना रोड स्कूल की तरफ लेके जाएगा। ये देख रहे हैं हमारे ना लेफ्ट पे, उधर आप टर्न करता हूँ और उधर आपने खुद देख लेना है कि ना ये सामने ये आपको ना रोड स्कूल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये रूट स्कूल की बाउंड्री है। इस तरफ देख लें कि बैक पे ना वो जो नया एरिया बन रहा है ना फाउंटेन वाला वो है, ठीक है। तो देख लें हम ना अपना रूट स्कूल के सामने से गुजरेंगे। ये मेन एंट्रेंस ना लेफ्ट पे ना रूट स्कूल की आ गई है, ठीक है। पहले ना मैं ना इधर से ना गया था, इधर से सामने गए हैं, ठीक है ना। देख लें ये रास्ता था जहाँ से हम पहले गुजरे हैं और अब ये ना रोड स्कूल की ना मेन एंट्रेंस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट वीडियो और थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है फाउंटेन के हवाले से आपको पसंद आई होगी। सिटी हाउसिंग का मेन मकसद है कि ना ये जो है ना फाउंटेन इसका ना काफ़ी बड़ा इवेंट हो और लोग ना बेशक इधर पाकिस्तान लोकल या बेशक इंटरनेशनल स्पेशल ये फाउंटेन शो देखने आए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आपने ज़रूर लाइक करना है, कमेंट करना है, दुआ में याद रखना है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो या ब्लॉग के साथ। अस्सलामुअलैकुम।